नत्वा जिनेन्द्रं गत सर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेयं विरचते स्वल्पधियां हिताय अणु तथा स्कंद की चर्चा हमने की। स्कंद ही के अंतर्गत जो 23 प्रकार के स्कंद है उसमें से 5 वर्गणाएं जिसके बारे में जिनवाणी में खुलासा है और जो जीव से संबंधित है उनकी चर्चा हम यहाँ से देख रहे हैं। उसके पूर्व थोड़े महत्वपूर्ण लेकिन कुछ रोचक इंटरेस्टिंग बातें मैं आपको बताऊंगा। एक बात तो यह है कि क्या आपको पता है परमाणु का आकार क्या होता है? परमाणु का आकार जिनवाणी में कहीं गोलाकार लिखा है और इन्हीं आचार्यों ने चतुष्कोण अर्थात चौकोर ये लिखा है। ये दो कथन हमारे सामने उपलब्ध है, मूल ग्रंथ में दिए है, आदि पुराण में भी दिया है, एक प्रमाण जिसमें से मैंने बोला है और एक प्रमाण भी किसी ग्रंथ में ही है और पंडित माणिक चंद जी कोंदे उन्होंने भी ऐसा निरूपण किया है। चौकोर और गोलाकार ऐसे दो कथन पाए जा रहे हैं, ठीक है। किन्हीं भी दोनों से मैंने षटकोण भी सुना था तो हो सकता है षटकोण भी कहीं लिखा हो। ये दो चीजें लिखी है ये तो मुझे पता है जिनवाणी में। षटकोण का तो मैंने सुना है तो हो सकता है किसी ग्रंथ में लिखा हो अथवा नहीं भी हो सकता है, लेकिन चौकोण और गोलाकार का तो आया है। मैं और प्रश्न थोड़ा आपको पूछू। ये पांचों वर्गणाएं है ना, कौन कौन सी? आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा, मनोवर्गणा, भाषा वर्गणा, कर्मणा। वो प्रश्न पूछने के पहले थोड़ा स्वरूप ही मैं खोलू, फिर मुझे एक प्रश्न पूछना है, बाद में मैं पूछ लूंगा। पहले तो मैं इतना बता दूं आपको, आहार वर्गणा जिसको कहा जाता है ना, आहार वर्गणा का ही एक नाम है नो कर्म वर्गणा। उसी को क्या कहते हैं? नो कर्म वर्गणा। इसका मतलब ये जो प्रत्येक समय में परमाणु जो आ आकर हमारे शरीर की रचना कर रहे हैं वे सब नो कर्म आहार भी जिन्हें कहते हैं नो कर्म वर्गणा, उसी को आहार वर्गणा भी कहेंगे, ओके। और भी मैं एक बात बता दूं, हम प्रत्येक समय में कितनी कितनी वर्गणाओं को ग्रहण कर रहे हैं हम इसको भी देखें थोड़ा सा। हम प्रत्येक समय में आहार वर्गणा को तो ग्रहण कर ही रहे हैं शरीर के बनने के लिए, तेजस शरीर के बनने के लिए तेजस वर्गणाओं को भी ग्रहण कर रहे हैं। अभी चर्चा करनी ही है एक एक की। और हम मनोवर्गणा को भी ग्रहण कर रहे हैं प्रत्येक समय में जिसको लेकर हमारा द्रव्यमन बन रहा है। हम प्रत्येक समय में जिस समय में ये भाषा मुखरित हो रही ना मुख से, तो भाषा वर्गणा भी ग्रहण कर रहे जो शब्द रूप हो रही है, वो बोलने के ही काल का लगाना पड़ेगा आपको इसमें। मतलब आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा, मनोवर्गणा ये तो निरंतर ग्रहण कर रहे हैं, भाषा वर्गणा बोलने के ही काल में लगानी पड़ेगी और कर्मण वर्गणा भी निरंतर ग्रहण कर रही है जीव, सांसारिक जीव, ठीक है। अभी इतनी सी बात है, जब विग्रह गति होती है तो विग्रह गति में मोड़ वाली विग्रह गति उसमें नो कर्म
वर्गणाओं का ग्रहण नहीं होता, इतनी सी बात महत्वपूर्ण समझ लेना। फिर से देखिए इसका काम क्या है, नौ कर्म वर्गणा, आहार वर्गणा का काम क्या है, शरीर को बनाना, यही उसका काम है ना। इसमें इतना समझ लेना कि जब विग्रह गति होती है, विग्रह गति मतलब क्या समझते हो आप? बराबर बराबर, ये आपको कहां से पढ़ा आपने? बहुत अच्छा बहुत अच्छा। विग्रह गति ये होती है दूसरे शरीर को पाने के लिए किया गया गमन। तो जब जीव एक शरीर छोड़ता है और दूसरे शरीर को अंगीकार करता करना है, ऐसे बीच की अवस्था को विग्रह गति कहते हैं। मैंने भी एक दिन आपको एक बात कही थी, आपको याद होगा, तो मैंने ये कहा था आत्मा का आकार क्या रहता है। तो मैंने कहा था पूर्व शरीर छोड़ा है तो जब तक नया शरीर धारण न करे तो पूर्व शरीर की अवगाहना प्रमाण ही उसका शरीर बना रहता है, याद आ रहा है आपको? तो विग्रह गति में यदि एक समय जाता हो, दो समय अथवा तीन समय जाते हो, क्योंकि ये नियम है कि चौथे समय में जीव दूसरा शरीर धारण करेगा ही करेगा। सब समझ रहे मेरी बात को? तत्व और सूत्र सब लेके बैठे? तत्व और सूत्र कोई नहीं लेके बैठा? इतनी रुचि है आप सबको? क्या कहा मैंने, विग्रह गति में जीव तीन मोड ले सकता है, कभी एक मोड लेता है, कभी दो लेता है, कभी तीन लेता है, और कभी कभी ये होता है बिना मोड के ही वो दूसरी गति धारण करता है। जितने मोड लेता है उतने समय वो विग्रह गति में रहता है। इस न्याय से वो विग्रह गति में कितने समय रह सकता है? कम से कम और ज्यादा से ज्यादा? देखिए चार समय तो विग्रह गति में कभी भी नहीं रहता, क्योंकि तीन मोड ज्यादा से ज्यादा लेता है तो तीन समय वो रह सकता है विग्रह गति में, चौथे समय में तो दूसरा शरीर धारण करेगा। यदि एक मोड लेता है तो दूसरे समय में शरीर धारण करेगा, और यदि बिना मोड लिए शरीर धारण करना है तो कब करेगा? तो पहले ही समय में धारण करेगा। समझ में आ रहा है? इसका मतलब नया शरीर या तो पहले समय में या दूसरे या तीसरे या चौथे समय में धारण करते हैं। जितने मोड प्लस वन समय, मोड को एक समय और प्लस एक समय में दूसरा शरीर धारण करता है, चौथे समय में तो करेगा ही करेगा। अभी मुझे कहना यह है यदि मोड लेवे ही नहीं विग्रह गति में तो पहले समय में तो उसको दूसरा शरीर धारण करना, मतलब एक समय में छूटा दूसरे समय में ग्रहण किया, तो उसमें तो यह है निरंतर नौ कर्म वर्गणा आहार वर्गणा ग्रहण करता ही रहता है शरीर के लिए। लेकिन जहां पर मोड पड़ते हैं मतलब तीन समय के लिए अभी उसको विग्रह गति में शरीर नहीं रहना है, तीन समय उसके लिए विग्रह गति में शरीर नहीं रहना है, चौथे समय में ही नया शरीर धारण करेगा, तो फिर अभी नौ कर्म वर्गण ग्रहण क्यों करेगा? करके रखेगा कहा? इसलिए फिर मोड़ वाली स्थितियों में नौ कर्म आहार उतने के लिए नौ कर्म वर्गणाओं का आना रुक जाता है। आप समझ रहे हैं? देखिए तेजस शरीर और कर्मण शरीर तो वहां पर भी है, कहां पर? विग्रह गति में। लेकिन विग्रह गति के अलावा बाकी का भी शरीर और हो सकता है, औदरिक हो सकता है, वैकरिक हो सकता है, किन्हीं किन्हीं के औदरिक के साथ साथ आहारिक भी हो सकता है, आप समझ रहे हैं ना। लेकिन विग्रह गति में औदरिक वैकरिक आहारक इनमें से कुछ भी संभव नहीं। पकड़ में आ रहा है आपको? पकड़ में आया? क्यों संभव नहीं? संभव क्यों नहीं? हाँ तो वर्गणा ग्रहण करके रखेगा कहां पर? क्यों? शरीर है ही नहीं जब विग्रह गति में, तो ग्रहण क्यों करेगा नौ कर्म वर्गणा? आहार वर्गणाओं को ग्रहण करके करेगा क्या? नौ कर्म वर्गणा मतलब ही आहार वर्गणा। इसलिए पहले गुणस्थान से लेकर तेरहवें गुणस्थान तक निरंतर नौ कर्म आहार आहार वर्गणाओं का ग्रहण करना
अथवा नौकर्म वर्गणाओं को ग्रहण करना, ये निरंतर चलता रहता है, सिवाय सिवाय विग्रह गति के। विग्रह गति में बस ग्रहण नहीं होता, और विग्रह गति भी कौन सी? मोड़ वाली। यदि बिना मोड़ वाली विग्रह गति हो तब तो निरंतर बनता ही रहेगा उसका। समझ में आ रहा है? तत्व और सूत्र का सूत्र देखिए, दूसरा अध्याय खोला, दूसरे अध्याय का सूत्र आप बताना मुझे कौन सा है। त्रिन्वानाहरक सूत्र है, त्रिन्वानाहरक मिल रहा है सूत्र, तीसवा है। क्या सूत्र है? एकम द्वो त्रिन्वानाहरक। इसका मतलब एक समय में, दो समय अथवा तीन समय के लिए यह जीव विग्रह गति में अनाहरक बना रहता है। अनाहरक का अर्थ कौन बताएगा मुझे? बिना आहार के, मतलब बिना आहार वर्गणाओं को ग्रहण किए, बिना नौकर्म वर्गणाओं को ग्रहण किए, बिना आहारक शरीर के, नहीं नहीं बिना नौकर्म आहार को ग्रहण किए। तीन पर्यायवाची नाम में बोल रहा हूं बार बार, नौकर्म वर्गणा, आहार वर्गणा और नौकर्म आहार, एक ही बात है ये सब, ठीक है? नौकर्म आहार, ये आहारक शरीर मतलब नौकर्म आहार नहीं है, इतना सब समझ लेना, ठीक है? चलना आगे, चलते हैं आगे। तो फलित क्या हुआ? हम प्रत्येक समय में कितनी वर्गणाओं को ग्रहण कर रहे हैं? जब शब्द बोल रहे तो वचन वर्गणा को भी ग्रहण कर रहे हैं, मन द्रव्य मन जब तक है तब तक मनोवर्गणा भी ग्रहण कर ही रहे हैं, तेजस वर्गणाओं को भी ग्रहण कर रहे हैं शरीर को, तेजस वर्गणा कर्मण वर्गणा इनका ग्रहण तो विग्रह गति में भी हो ही रहा है। ये दो शरीर ऐसे हैं जो विग्रह गति में भी कहे गए हैं, और उन दो शरीर के कारणभूत वर्गणाएं भी वहां पर आ ही रही है। और जो नौकर्म आहार है, जो नौकर्म वर्गणा आहार वर्गणा है, आहार वर्गणा विग्रह गति के अलावा निरंतर चल रही है। विग्रह गति में भी यदि बिना मोड़ की हो तो वहां पर भी निरंतर चलेगी, लेकिन मोड़ हो वाली गति हो वहां पर उतनी देर के लिए रुक जाएगा, क्योंकि शरीर ही नहीं है वहां पर, और तेरहवें गुण स्थान तक निरंतर नौकर्माहार बनता रहता है, ठीक है? एक बात। अब दूसरी बात, यह जो नौकर्माहार नौकर्म वर्गणा उसी को आहार वर्गणा में कह रहा हूं। तो आहार वर्गणा ये जन्म के पहले समय में ग्रहण हुई, मान के चलिए शरीर किसी ने धारण किया पहले समय में, अभी धारण किया, धारण करते ही पहले समय में वो ग्रहण कर लेता है किसको? आहार वर्गणा को। तो आहार वर्गणा को ग्रहण करते ही दूसरे समय में ही उसका खिरना भी चालू होता है, समझ रहे हैं सब? और दूसरे समय में ग्रहण भी करता रहता है, फिर पूरे जीवन भर ग्रहण भी करता है, त्याग भी करता है, और फिर अंतिम समय में जीवन के पूरे वे आहार वर्गणाएं खिर जाती है और वो देह से रहित हो जाता है। समझ में आ रहा है? मतलब देह जुदा और जीव जुदा हो जाते हैं और वह दूसरी गति को पाने के लिए आगे निकल जाता है। किसी को समझ में नहीं आ रहा हो तो वे मुझे पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। किसी को प्रश्न? मैं पूछूं फिर? बोलो, क्या प्रक्रिया है इसकी, कब ग्रहण करता है आहार वर्गणा वो? आहार वर्गणा को कब ग्रहण करता है? पहले समय से लेकर जन्म के मरण समय के अंतिम भाग, इसलिए नहीं कह रहा हूं मैं, अंतिम समय में अपन यूं मान के चलिए अंतिम समय में जो ग्रहण किए थे उन्हीं उन्हीं को खिराएगा, क्योंकि दूसरे ही समय में वो शरीर से रहित होने वाला है विग्रह गति में, आप समझ रहे? तो अंतिम समय में सब एक साथ खिर जाएगा उससे। हाँ, क्या 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 प्रश्न है? आप समझ रहे मेरा कहना?
सब अच्छे से समझ रहे? जहां पर जन्म लेना है पहले ही समय में चालू हो जाता है ग्रहण करना, और दूसरे समय से खिरना भी चालू होता है। फिर दूसरे समय से तो लेना और खिरना ये दोनों चलता रहता है। पहले समय में मात्र लेना ही लेना होगा और अंतिम समय में देना ही देना होगा। क्यों? क्योंकि अभी तो शरीर से रहित होने वाले हैं विग्रह गति में, तो एक समय दो समय तीन समय विग्रह गति में जितने भी रहेंगे वो बिना आहार वर्गणा के ही वहां पर रहेंगे। बैठिए, चलना है आगे। तो इस प्रकार हमने ये देखा पांच वर्गणाओं में से हम कौन कौन सी वर्गणाओं को ग्रहण करते हैं। मैं सबसे पहले अभी अपने क्रम से ही आगे बढ़ने का भाव रखूंगा। ये प्रश्न भी मुझे बाद में पूछना था वैसे तो, क्योंकि अभी मैं आपको तेजस वर्गणा और भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा, कर्मण वर्गणा ये पढ़ाई थोड़ी है। मैं अभी आज आपको ये चारों चीजें पढ़ाने वाला हूं। आज कितनी चीजें पढ़ाऊंगा मैं आपको? तेजस वर्गणा, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा, कर्मण वर्गणा, ये चार चीजें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। सब ध्यान देकर सुनिएगा। तेजस वर्गणा की परिभाषा आप किस रूप में करेंगे? जिस वर्गणा से तेजस शरीर बनता है, और तेजस शरीर करता क्या है? औदरिक और वैकरिक शरीर को कांति देता है। आहारक को नहीं बोलना, आहारक शरीर को नहीं बोलना, क्योंकि आहारक शरीर वैसे ही दिव्यता लिए हुए होता है। तो जो औदरिक और वैकरिक शरीर को कांति देता है उसे तेजस शरीर कहते हैं। ये तेजस शरीर घुल मिल के अंदर रह जाता है वैकरिक शरीर औदरिक शरीर में, और इस तेजस शरीर के लिए कारणभूत बनने के लिए कारणभूत जो वर्गणा है उसे तेजस वर्गणा कहते हैं। तेजस वर्गणा समझ में आ रहा है सबको? अब मैं थोड़ी विशेष बात आपको बताना चाहता हूं। देखिए, तेजस शरीर भी दो प्रकार का है। एक तो जो सभी के पास होता है तेजस शरीर, जो हमको आंखों से कभी भी दिखाई नहीं देता, जो तेजस वर्गणाओं से बना है, ठीक है, ये जो सबके पास होता है। एक तो ये तेजस शरीर है, ये शरीर को कांति देता है, इसको कहते हैं, चलो अब बाद में देखेंगे। और एक तेजस शरीर मैंने बोला था आपको, ये मात्र रिद्धिधारी भावलिंगी मुनियों को ही ये शरीर तेजस शरीर होता है। उनका मन में आया तो वे तेजस शरीर छोड़ देते हैं, और मन में आए उसका कल्याण भी कर सकते हैं और मन में आए उसका अकल्याण भी कर सकते हैं। ये हमने देखा था कल, अब कितने जनों को याद है ये? तो देखिए, ये जो है तो दोनों तेजस शरीर, तो फर्क कैसे करेंगे? फर्क ऐसा करना, जो मुनिराज के पास होता है और वो जो छोड़ते हैं उसे कहेंगे निस्सरण तेजस शरीर, जो निस्सृत होता है। निस्सरण, निस्सरण मतलब नी के बाद विसर्ग और फिर सरण, उसको लिखेंगे चाहो तो आप आधा सा और पूरा सा, निस्सरण। निस्सरण मतलब निकलने वाला, निस्सरण शरीर। तो फिर इसे क्या कहेंगे जो सभी जीवों के पास होता है? अनिस्सरण। तो इस प्रकार हमने देखा तेजस शरीर के दो भेद है, निस्सरण और अनिस्सरण। पकड़ में आया? दो भेद के क्या क्या पॉइंट्स बन सकते, कोई बताएगा मुझे? कोई बताएगा क्या क्या पॉइंट्स बन सकते हैं दोनों के? बोलिए क्या क्या लिखे, बोलो एक पॉइंट बोलो आप। हाँ, एक पॉइंट, निस्सरण शरीर जो निकलता है वह होता है, और अनिस्सरण शरीर जो निरंतर जीव के साथ बना रहता है। एक पॉइंट ये हुआ। दूसरा पॉइंट सिद्धांत बोलो। ये जो सभी जीवों के पास होता है वह अनिस्सरण शरीर, जो सभी सांसारिक जीवों के पास, बोलो, सभी सांसारिक जीवों के पास होता है। हमने एक सूत्र भी देखा था तत्व और सूत्र का, कौन सा सूत्र बोलो, क्या देखा था, याद आ रहा है? कौन सा सूत्र देखा था? सर्वस्य देखा था, देखा था, सभी जीवों के पास होता है ये शरीर, ठीक है। और
वो वाला शरीर निस्सरण वाला वो भावलिंगी रिद्धिधारी मुनियों के ही होता है। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट बोलिए, तीसरा पॉइंट ये जो निस्सरण शरीर है, निस्सरण शरीर वह आंखों से दिखाई देता है और अनिस्सरण वाला तेजस शरीर आंखों से दिखाई नहीं देता। तीसरा बिंदु हो गया। चौथा बिंदु, निस्सरण वाला अनिस्सरण वाला तेजस शरीर जो सभी जीवों के पास है वह तेजस वर्गणाओं से बना है और जो निस्सरण वाला तेजस शरीर है वह आहार वर्गणा से बना है तभी तो दिखता है और आहार वर्गणाओं में भी औदरिक वाली आहार वर्गणा। बोलो कितने जनों को समझ में आया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चौथा पॉइंट फिर से बोलो, मैं ये कह रहा हूं तेजस शरीर तेजस वर्गणाओं से बनता है ये तो हम कहते ही हैं, लेकिन वह तेजस शरीर कौन सा? वो तो जो सभी जीवों के पास है अनिस्सरण वाला, लेकिन जो रिद्धि में काम आता है ऐसा तेजस शरीर निस्सरण वाला वह बनता है आहार वर्गणाओं से, वो तेजस वर्गणा से नहीं बनता वो, और आहार वर्गणा में भी औदरिक की क्वालिटी वाला होता है वो, वैकृत की क्वालिटी वाला आहार वर्गणा नहीं होती। इसका मतलब आहार वर्गणाओं में भी कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटी होती होगी हिनादिक। कितने जन समझ रहे हैं बात को? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी शुभ तेजस शरीर और अशुभ तेजस शरीर ये किसके भेद है? ये निस्सरण के। इसका विभाजन मैं आपसे चाहता हूं, कौन मुझे विभाजन करके दिखाएगा? शुभ तेजस शरीर और अशुभ तेजस शरीर इसका विभाजन मैं आपसे चाह रहा हूं, कौन मुझे पॉइंट्स बताएगा? पहले तो ये बताओ इनमें समानता क्या है? ये दोनों निस्सरण तेजस शरीर वाले हैं, मुनियों को होते हैं और आहार वर्गणाओं से बने हैं शरीर। अभी विभाजन कैसे करेंगे मैं बता रहा हूं आपको। ये जो शुभ तेजस शरीर है वो दूसरों का भलाई उपकार करने के लिए काम में आता है। महामारी दुर्भिक्ष को मिटाना हो वहां पर काम में आता है। और अशुभ किस में काम आएगा? जो विरुद्ध स्वभाव वाले शत्रु पक्ष हो, ऐसे कुछ बात हो उनका नाश करने में काम में आता है। दूसरा पॉइंट ये लिखेंगे, ये करुणा भाव से उत्पन्न होता है और वह क्रोध भाव से उत्पन्न होता है। बोलो भाई अब बताओ क्या? ये दूसरों के लिए भलाई, भलाई के लिए काम करता। कौन? शुभ तेजस शरीर दूसरों को कल्याण करने के लिए काम में आता है। और जैसे किसी मुनिराज को ये विकल्प हुआ, ध्यानस्थ बैठे थे, ध्यान भग्न होने के बाद उनको विचार आया कि इस स्थान के लोग हैं वो कितने कितने अभावग्रस्त है, हे भगवान उनका अच्छा क्यों नहीं होता। जैसे ही ऐसा सोचा, देखो जो एकदम खेत बंजर जैसे पड़े हैं वो बराबर हरे भरे फलों से वो लदे मिलेंगे आपको, चहुओर हरियाली, चहुओर समृद्धि छा जाएगी, ठीक है। और यदि उन्होंने सोचा कि खराब हो जाए इन सबका तो फिर जरूर वो सब सर्वनाश वहां पर हो सकता है, सब आग लगकर सब दहन हो सकता है, वहां का खत्म हो सकता है। एक क्रोध से निकलता है और एक करुणा से निकल। दो पॉइंट हुए, तीसरे पॉइंट पर आओ। जो करुणा से निकलने वाला दूसरों के लोकोपकारी ये शुभ तेजस शरीर है वह छठवें गुणस्थान के मुनियों को होता है और उसके पश्चात उनका गुणस्थान बरकरार रहता है, बना रहता है। लेकिन जो अशुभ तेजस शरीर जिन्होंने छोड़ा है ऐसे मुनियों का फिर बाद में क्या होता होगा? वे भी जब वो भस्म करके आता है जो भी पदार्थ, उसके बाद वे स्वयं भी भस्म हो जाते हैं और भस्म होते साथ उनका पहला गुणस्थान हो जाता है। पहला गुणस्थान कहा है उनका, और फिर नीच गति की प्राप्ति करते हैं वे। कितने पॉइंट्स हुए? तीन पॉइंट्स हुए। चौथा पॉइंट आप लिख लीजिए, आपका ध्यान नहीं आप खड़े रहेंगे तो अच्छा रहेगा। पन्ना भाई देखो, ये पन्ना भाई सब लिख रहे बराबर।
अरे बंद हो गए तुम मुझे बोलो ना भैया, और तुम मैंने बोला ना ऐसे कंगी नहीं करना आपको, आपको जैसे सिंपल सब रहते वैसे सिंपल रहो आप, ओके। और पेन है भैया किसी के पास पेन एक्स्ट्रा? लो भाई तुम थोड़ा इशारा कर लेते भैया, इशारा करना चाहिए, यहाँ पर पेन तो पड़े रहते हैं सब चाहिए। और बस दोनों हाथ से लिखना, दोनों हाथ से लिखो, मुझे क्या करना है। ए भैया आपके मम्मी पापा आए हैं? चले गए? प्रसून के मम्मी पापा आए हैं क्या वे? अच्छा अभी यही है, आप खड़े रहिए। हाँ देखो भाई हमारे मम्मी पापा यहाँ आते हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि उनको प्रेरित करें कि आप भी क्लास में चले। ये धर्म की बातें उनको कौन समझाएगा? विषयों की लगी है आग विश्व में, क्या कहा मैंने? विषयों की आग लगी है सब जगह, और सब जगह यही बताते हैं ऐसे कपड़े पहने तो अच्छा अच्छा होगा, ये खाओ तो अच्छा होगा, इतना कमाओ तो ऐसा होगा, तुम लड़कियों को क्या बना रहे, हम इंजीनियर बना रहे, तुम डॉक्टर बनाओ, ये दुनियादारी की गप्पे चलती है। भैया थोड़े आत्मा परमात्मा की चर्चा सुनेंगे तो जीवन में थोड़ी सुख शांति हो सकती है, समझ में आ रहा है? नहीं तो समाधि मरण नहीं हो सकता, हाय हाय करके मरना पड़ता है, और उपेक्षा तो करते ही है लोग, अपना काम सरने के बाद सब स्वार्थ के सगे हैं। तो हमको ये धर्म विद्या ही काम में आती है भैया, प्रतिकूल परिस्थिति में थोड़ी पुण्य का उदय है, अनुकूलता है, क्या कर लोगे उसमें? आपको बताना चाहिए मम्मी पापा को कि चलो क्लास में आकर बैठो, समझ में आए? बैठिए। आप सबको मैंने ये बात बोल दी है, जब जब भी आपके पापा मम्मी यहाँ पर आते हैं आपको उनको यहाँ पर क्लास में लेके आना है, समझ गए आप सब? और ऐसा करके आप उन पर उपकार करोगे। क्या करोगे? उपकार क्यों होगा? उनको धर्म में लगाए आपने उतने समय के लिए, भैया ये बहुत बड़ा काम है, ये काम हमको करना चाहिए, ठीक है? चलिए अभी चौथा पॉइंट मुझे शुभ अशुभ का बताना है। अशुभ तेजस शरीर निकलता है बाएं कंधे से, और वह निकलता है दाएं, शुभ निकलता है दाएं कंधे से। शुभ तेजस शरीर होता है श्वेत वर्ण वाला, और अशुभ होता है सिंदूरी वर्ण वाला, बिलाव के आकार का। शुभ होता है शुभ आकृति वाला, और दोनों की अवगाहना उतनी कही है, वो तो बिल्कुल छोटी अवस्था में निकलता है, और बड़ा होते होते वो 12 योजन/9 योजन तक फैल जाता है एकदम, समझ में आ रहा है? बिलाव के आकार का लाल सिंदूरी रंग का, कितना फैल जाता है? 12 योजन/9 योजन इतना फैल जाता है फिर आगे वो, और फिर जिनका नाश करना है नाश करके आ जाता है फिर, ठीक है? आपको तेजस शरीर समझ में आया अच्छे से? और ये सब अंतर मुहूर्त में ही यह प्रक्रिया संपन्न हो जाती है, शुभ का भी और अशुभ का भी, जो भी शरीर निकला हो निकलकर अपने में आने तक और पूरा कार्य वहां होने तक, अच्छा होना हो खराब होना हो, अंतर मुहूर्त काल में ही यह सब कुछ हो जाता है। आगे बढ़ू मैं? आगे बढ़ता हूं अभी मैं। ये मैंने तेजस शरीर के बारे में आपको बताया, अब मैं भाषा वर्गणा के बारे में आपको बताऊंगा, भाषा मनो और कारमन वर्गणा, ओके। अभी तक किसी को कोई शंका हो ये मुझे पूछ सकते हैं। ये निस्सरण में चर्चा चल रही, ठीक है? देखिए अभी भाषा वर्गणा की परिभाषा हम देखेंगे। अभी भाषा वर्गणा किसे कहते हैं? जिस वर्गणा से शब्द बनते हैं उसे भाषा वर्गणा कहते हैं। जो पुद्गल स्कंद शब्द रूप परिणमित होते हैं उन्हें भाषा वर्गणा कहते हैं। आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है परिभाषा, क्योंकि तो जिनवाणी में है ही सब, आप नहीं लिखेंगे तो चलेगा। जो विशेष चर्चा है जैसे मैंने अभी विभाजन लिखा, ये सब आप लिख सकते हो। चलो मैं आगे, अब भाषा वर्गणा में इतना समझना, जो हम बोलते हैं वही भाषा वर्गणा से परिणमित नहीं हुआ है, तो
ये जितनी भी आवाजें हैं लोक में, पहले तो एक बात समझे, शब्द भी दो प्रकार के होते हैं, अक्षरात्मक अनक्षरात्मक। जैसे हमने बोला ये अनक्षरात्मक, ये अनक्षरात्मक। बिल्ली म्याओ म्याओ बोलती है, अनक्षरात्मक बोलती है, समझ में रहे? अक्षरात्मक तो हम ही बोलते हैं मनुष्यों में, अनक्षरात्मक वे बोलते हैं। और जितने भी बादल की गर्जना, पेड़ टूटने की आवाज, ऐसी जितनी भी आवाजें हैं, वे भी भाषा वर्गणा ही उस रूप परिणम जाती है। आप सब समझ रहे हैं, ये सब भाषा वर्गणाओं का काम है। हमने भाषा वर्गणा की भी परिभाषा देखी, अब हम किसकी परिभाषा देखेंगे? अब मनोवर्गणा को हमें देखना है, ठीक है? आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, माइंड जिसे कहते हैं, सिक्स सेंस जिसे कहते हैं, जो मन विचार करने का काम करता है, वह मन कैसे तैयार होता है मैं आपको बताऊं। पहले बात तो यह समझिए, यह सूक्ष्म है, यह किसी आंखों से दिखाई नहीं देता। डॉक्टर यदि ऑपरेशन करके देखना चाहे तो देख सकेगा नहीं। ये हमारे हृदय के स्थान पर आठ पंखुड़ी वाला कमल के आकार का वो बना रहता है, और इसमें निमित्त ज्ञानावरण कर्म का तथा वीर्यांतराय कर्म का क्षोभशम तथा अंगोपांग नाम कर्म चाहिए, इसके निमित्त से ये मन तैयार होता है। इसे हम द्रव्य मन भी कह सकेंगे, ठीक है? इसके निमित्त से फिर जीव विचार करता है, गुण दोषों का विचार करता है, हित अहित का विचार करता है, है ना, सत असत का विवेक करता है, अच्छा क्या बुरा क्या, इसका विचार करने की उसको क्षमता हो जाती है। बोलो भाई। हाँ, ये किसके निमित्त से ये मन मिलता है? ज्ञानावरण का विशेष क्षोभशम। क्यों? संगी पंचेंद्रिय होना पड़ेगा उसको, तभी तो उसको मन मिलेगा। ज्ञानावरण का तथा वीर्यांतराय कर्म का विशेष क्षोभशम चाहिए कर्म के रूप में, और अंगोपांग नामक नाम कर्म की प्रकृति का उदय चाहिए। अंगोपांग क्यों बोला मैंने? अंगोपांग नाम के ऐसी नाम कर्म की एक प्रकृति है जिसके कारण हमको आंख कान मिलते हैं, उसी के कारण फिर हमको मन भी मिलता है। और सहज ऐसा नियोग है जिसको जो संगी पंचेंद्रिय होता है उनके ज्ञानावरण का क्षयोपशम भी उतना हो जाता है, वीर्यांतराय का क्षयोपशम भी उसका उतना हो जाता है, और उसको अंगोपांग नामक नाम कर्म का उदय भी उस रूप हो जाता है कि हृदय के स्थान पर उसको आठ पंखुड़ी के वाला कमलाकार मन उसको बन जाता है जो नेत्रेंद्रिय गोचर नहीं है, और उसके निमित्त से फिर जीव विचार करने में सक्षम होता है। ये द्रव्य मन तो पूरा पौद्गलिक है, जैसे बाहर की इंद्रिया पौद्गलिक है, लेकिन जो सोच विचार होगा वो जीव का अपना परिणाम है, उसे हम भाव मन भी कह सकते हैं। बोलिए भाई। नहीं, वो मन का प्रतीक नहीं होता श्रीवत्स, वो जो भी कुछ होगा लेकिन वो उसका प्रतीक नहीं होता है, ये कुछ समझ में नहीं आता, वो महापुरुषों के ही होता है, ठीक है? और मन को ही नो इंद्रिय भी कहते हैं और अनिंद्रिय भी कहते हैं। नो 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 नहीं नो नो मतलब ईशत, किंचित, स्तोक, किसी अपेक्षा से, ठीक है? बोलो। नो अनिंद्रिय। अनिंद्रिय क्यों कहते हैं इसको, मन को? अन इंद्रिय का तो अर्थ यह होना चाहिए जो इंद्रिय नहीं है, तो यहां पर भी ऐसा ही अर्थ करना, जो इंद्रिय नहीं मतलब अरे जो बाहर से दिखाई नहीं देवे, दुनिया वालों को दिखाई देवे, ऐसा इंद्रिय नहीं है वो, इसलिए अन इंद्रिय ऐसा भी बोल दिया उसको। समझ में आ रहा है? और इसकी संरचना अंगुल के असंख्यात भाग इसका आकार कहा है, आपको हुआ होगा तो मैं अब आगे बढ़ूंगा।
इसका आकार है ना अवगाहना, इसका आकार कितना है, घनांगुल के असंख्यात्व भाग। घनांगुल के असंख्यात्व भाग मतलब बिल्कुल भी दिखने का सवाल ही नहीं किसी भी माइक्रोस्कोप से, इतना छोटा आकार। ठीक है, चलना है आगे। कितनी वर्गणाएं देखी हमने, तेजस, भाषा और मनो, ये तीनों वर्गणाएं देखी। थोड़ा समझ में आ रहा है स्वरूप? वैसे मैं थोड़ा थोड़ा मात्र परिभाषा पढ़ाऊं और आगे बढ़ूं, ये अच्छा है कि मैं थोड़ा और बता रहा हूं, ये अच्छा है? और बता रहे हैं। और बताने से आपको थोड़ा समझ में आने लग जाएगा कि ये बोल क्या है। ठीक है, ये श्रीवत्स है ना, ये श्रीवत्स मन का चिन्ह नहीं होता है, एक बात समझ लेना सब। और ये महापुरुषों के ही होता है श्रीवत्स, हर एक को होता भी नहीं है। तीर्थंकरों के तो होता ही होता है, लेकिन अन्य अन्य ग्रंथों में भी आया है कि बाहुबली आदि को भी था। इसका मतलब जो महापुरुष होते होंगे, चक्रवर्ती, कामदेव, उनको भी होता होगा। ओके, बोले कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। तुम कैसी बात कर रहे हो भैया, वे कोई महापुरुष में है क्या? महापुरुष मतलब तीर्थंकर हो, चक्रवर्ती हो, कामदेव हो, वो नारायण हो, प्रतिनारायण हो, समझे? ये तो कोई बात हो, तीर्थंकर के पिता हो, कुलकर हो, ऐसा कुछ हो तो उनको हो सकता है, जा सकता है ना। नारायण और प्रतिनारायण तो जाते ही है, लेकिन उनके पुण्य का उदय बहुत ही जबरदस्त रहता है। ओके, तो इनके सर्वांग सुंदरता भी बनी रहती है और एक चिन्ह के रूप में यहाँ पर श्रीवत्स भी बना रहता है उनके। चलना है आगे, कर्मण वर्गणा की तरफ बढ़ना है। कर्मण वर्गणा की तरफ बढ़ते हैं अभी, और फिर मैं आपको ढेर सारे पूछने वाला हूं प्रश्न। कर्मण वर्गणा किसे कहते हैं? जो पुद्गल स्कंद कर्मण शरीर रूप परिणमते है उन्हें कर्मण वर्गणा कहते हैं। ठीक है, कर्मण वर्गणा किसे कहते हैं? जो पुद्गल स्कंद कर्मण शरीर रूप परिणमे उन्हें कर्मण वर्गणा कहते हैं। और बाकी तो बहुत सरल प्रश्न है। फिर तेजस और कर्मण शरीर किसके होता है? नहीं, यहाँ पर कर्मण शरीर किसे कहते हैं? ज्ञानावरण आदि आठ कर्मों के समूह को कर्मण शरीर कहते हैं। ये भी समझ में आ रहा है? ये समझ में आ गया आपको? ज्ञानावरण आदि आठ कर्मों के समूह को कर्मण शरीर कहते हैं। अब मैं थोड़ा इसका खुलासा करूंगा, जैसे सबका किया है वैसे इसका भी थोड़ा खुलासा करूंगा मैं। देखिए, ये कर्मण शरीर भी, ये कर्मण वर्गणाएं ठसाठस भरी है। क्या कहा मैंने? कर्मण वर्गणाएं ये सब जगह ठसाठस भरी है। जैसे ही यह जीव राग द्वेष करता है अथवा योग करता है, मान के चलिए, ठीक है, तो वैसे ही ये कर्मण वर्गणाएं कर्मरूप ऑटोमेटिक परिणमित हो जाती है। समझ रहे? क्या कहा मैंने? जैसे ही, सुनिए सुनिए, देखिए, जैसे होता है ना कि कभी ऐसा मौसम बना, ऑटोमेटिक इंद्रधनुष आ जाता है। किसने बनाया है कि चित्र किया है, बनाया क्या, ऑटोमेटिक हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे ही जीव राग द्वेष करता है, वैसे ही यह कर्मण वर्गणाएं कर्मरूप होकर यह जीव को, जीव के संपर्क में आ जाती है। उसी को कहते हैं जीव को कर्म बंधन हो गया। और फिर वह कर्म भी जब उदय में आता है तो जीव को अनेक अनेक फल देता है। तो उसमें कुछ अच्छे फल देता है, कुछ खराब फल देता है, जैसा बीज उसने बोया था वैसा वैसा उसको उदय में आता रहता है। कौन सी? जैसा जीव भाव करता है उसके अनुसार वह कर्मण वर्गणा कर्म रूप परिणमित होती है। उसी को आश्रम कहते हैं, उसी को बंध कहते हैं। और जब जीव शुद्धोपयोग करता है, आत्मानुभव करता है, धर्म करता है, तो उसको नवीन कर्मबंध
नहीं होता फिर। तो कर्म बंध से छुटने का यही उपाय है, हम स्वयं को आत्मा देखे, हम स्वयं को शरीर रूप नहीं देखे। पकड़ में आ रहे सबको? ये पुलिस व्यवस्था सब जगह फैली है, चोरी छिपे कोई खराब काम नहीं कर सकता। लोक में तो ऐसा हो सकता है कोई पाप करे और बच जाए दादागिरी के बल पर, पैसे के बल पर, लेकिन कानूनन व्यवस्था बहुत सुसज्ज है। आपने थोड़ा खराब भाव किया और कर्मन वर्गणय कर्मरूप हुई, जबकि उनके पास ना ज्ञान है ना उनके पास ना बल है, लेकिन निमित्त निमित्तिक संबंध घना हो जाता है। समझ में आ रहा है? जैसे आपने कोई भी उदाहरण ले लेवे, जैसे आपने घास, आपकी छोड़ दीजिए, जैसे गाय ने घास खाई तो घास कौन से रंग की थी? हरी। अभी देखिए घास से ऑटोमेटिक ऐसी मशीन लगी है उसके शरीर में कि उसमें से कितना दूध होना, कितना मांस होना, कितनी हड्डी होनी, कितना खून होना, कितनी चर्बी होनी, यह सब सेटेड है। उसको कोई करना पड़ता है क्या? अपने आप सब हो जाता है कि नहीं हो जाता है? हम रोटी खाते तो खून बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? वैसे विचार करें तो रोटी में कोई खून दिखता है क्या? लेकिन उसमें वो ताकत है, सब पोषक तत्व तो देता रहता है। वो अचेतन होते हुए भी ये सब काम होते हैं। उसी प्रकार कर्मण वर्गणाएं अचेतन होते हुए भी बराबर जीव को वे अपने किए हुए पाप पुण्य का फल वे देते रहते हैं। ये कर्मण शरीर सबको समझ में आ रहा है? और आठ प्रकार के होते ही है, ज्ञान वरण दर्शन और नादि। अभी इसमें क्या होता है समझिए जरा। देखो मैं अच्छी बात कहूंगा, अभी ये लोक में विश्व में ये सब वर्गणाएं भरी है ना, तीन लोक में, तीन लोक में, क्योंकि अलोक आकाश में तो है नहीं है। तो ये पांचों वर्गणाएं क्या उसी रूप बनी रहती है? ऐसा जरूरी नहीं है। मैं उदाहरण के रूप में आपको बता रहा हूं, जैसे अभी कर्मण वर्गणा है ना, वो भाषा वर्गणा रूप भी हो सकती है। ऐसा आपस में इंटरचेंज ऐसा होता रहता है उनका, वो एक रूप ही बनी रहती है, ऐसा नहीं है कुछ भी। ठीक है, जैसे हमारा कर्म उदय में आया तो यह कर्म फिर से कर्मण वर्गणा रूप बन जाता है। जब हमने राग द्वेष किया तो क्या हुआ था? यह कर्मण वर्गणा कर्म रूप हो गया था। अभी जैसे यह उदय में आया कर्म और फल दे दिया तो जीव का उसका संबंध टूट गया। टूट गया मतलब रहते तो वही है लेकिन वो कर्म रूप नहीं रहकर अभी कर्मण वर्गणा रूप रहेंगे, और फिर आप राग द्वेष करेंगे तो फिर ये बनने के लिए तैयार। तो ये जो कर्मण वर्गणा है अभी और हमें कुछ बोलना है तो ये कर्मण वर्गणा सीधी शब्द रूप परिणमित नहीं होगी, ये कर्मण वर्गणा होगी भाषा वर्गणा रूप, और भाषा वर्गणा रूप होगी शब्द रूप। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मतलब कोई अलग सी वर्गणाएं नहीं पड़ी है ऐसी, यही अपना अपना स्वभाव, यही इनका अपना बदलता रहता है, और 23 प्रकार का स्वभाव इनका चलता रहता है। जो कभी मन के बनने में काम में आती है वो मनोवर्गणा, कभी शब्द रूप परिणमित होने के काम में आती है वह भाषा वर्गणा, जो तेजस शरीर बनाती है वह तेजस वर्गणा, जो औदरिक वैकरिक शरीर बनाती है वह आहारक वर्गणा, और बोलिए कौन सा रही? कर्मण वर्गणा। जो ज्ञानवर्ण आदि कर्म को बनाती है वह कर्मण वर्गणा। बोलिए फिर से बोलिए। जो ये जो पांच है, हाँ, पांच वर्गणा, ये जीव से संबंधित है। ओनली जीव से संबंधित है। जो ये मतलब जो जीव से संबंध नहीं रखती वर्गणा है उसको भी हो सकती है। खड़े रहो आप पहले तो। अच्छा प्रश्न पूछा इन्होंने, क्या प्रश्न है इनका कोई बताएगा? मैंने अभी अभी ये कहा ये आपस में इंटरचेंज हो सकता है सब, ऐसा है ना? जैसे अभी आपको पेन की आवश्यकता पड़ी तो तुरंत आपने आपके लिए लाया हुआ पेन आपको दे दिया, तो पेन को तो कुछ ये पता नहीं, तो पेन को तो लिखना ही पता है, तो उसको क्या मतलब है किसी से? ठीक उसी प्रकार वर्गणा तो वर्गणा होती है, आपस में इंटरचेंज होती रहती है, तो पूरे 23 में भी ऐसे इंटरचेंज हो सकते हैं। ओके अब बैठिए, मैं और अच्छी बात बताऊंगा, अच्छी, फिर आपके प्रश्न पूछना। जब भगवान होते हैं ना भगवान, तो उनका 13वां गुणस्थान कहा जाता है, अरहंत अवस्था में। कौन सी अवस्था? उसे तीर्थंकर कहते हैं। क्या कहते हैं? जैन और बौद्ध लोग इसे तीर्थंकर कहते हैं, जिसको वो जो शरीर होता है ना उनका भगवान का, अति दैदिप्यमान शरीर होता है।
जिसे वैदिक संप्रदाय में ऐसा कहते हैं सूर्य कोटि सम प्रभ, आपने सुना है कभी? है सूर्य कोटि, आपने सुना होगा गणपति की स्तुति करते ना, तो वे गणपति की स्तुति करते समय ऐसा करते हैं, हे भगवान आपका शरीर कैसा है, सूर्य कोटि सम प्रभ, मतलब कोटि सूर्य के समान आपकी दिव्यता है। आप नहीं समझ रहे हैं, थोड़ी थोड़ा रुकिए, देखिए पहले तो आप मुझे बताओ कि सांसारी जीव है और दूसरे कौन से जीव है, सांसारी जीव के अलावा दूसरे कौन है, मुक्त जीव। जीव दो ही प्रकार के हैं, एक वे जो सांसारी जैसे हम आप लोग सभी सांसारी हैं, और एक वे जो मुक्त हो गए। मुक्त कैसे हो गए, जिन्होंने संपूर्ण कर्मों का अभाव किया। कर्मों का अभाव करने के लिए क्या करना पड़ता है, अपराध नहीं करना पड़ता है। अपराध नहीं करना पड़ता मतलब पर वस्तु को अपना मत मानो, और अपन अपने आत्मा को ही अपना मानेंगे, उसी को कहते आत्म साधना, उसी को कहते हैं ध्यान, उसी को कहते मेडिटेशन। और मैं आत्मा हूं ऐसा स्वीकार करके पूर्ण स्थिर होंगे तो पूर्ण कर्म झड़ जाएंगे। तो कर्म ही झड़ते, इतने नहीं, फिर जिस कर्म के कारण शरीर मिला है ना, हमको शरीर मिला है तो कोई ना कोई कर्म के कारण मिला है, इसलिए तो किसी की शक्ल एक दूसरे से नहीं मिलती है। आप समझ रहे हैं, हमारी शक्ल अलग, अकल अलग, क्यों, क्योंकि हमारे कर्म का उदय अलग अलग है। हमने जैसा बीज बोया था वैसा वैसा फलता रहता है वो। लेकिन लेकिन एक अवस्था ये आती है आगे, जब कर्म करते हैं तो शरीर भी क्यों रहेगा, तो मुक्त अवस्था में जब निर्वाण की प्राप्ति होती है, मोक्ष दशा में, वहां पर शरीर नहीं होता। आप समझ रहे हैं, तो शरीर नहीं होता तो शरीर को लेकर जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां है वो भी नहीं रहती है, क्योंकि आत्मा शरीर वाला है ही नहीं, तो जो पर वस्तु थी वो तो निकलकर चली जाती है। अब मुझे तो यह कहना है कि जब अरहंत अवस्था आती है, सिद्धावस्था के पहले, निर्वाण के पहले, पहले तीर्थंकर अवस्था आती है, तो उनका जो शरीर होता है अति दैदिप्यमान शरीर होता है। तो तेरहवें गुणस्थान में भी नौ कर्म आहार तो होता ही है, आहार वर्गणाओं का ग्रहण करना। तो उस समय में जो आहार वर्गणाओं को ग्रहण किया जाता है, वह वे आहार वर्गणाएं सबसे सुंदर कही जाती है। समझ में आता है, और ऐसा लिखा है शक्करवत मीठी और एकदम सफेद, सुंदर, मुलायम, मृदु, ऐसे स्पर्श की पर्याय होती है उसमें, और सुंदर रस, सुंदर गंध, सुंदर वर्ण, ऐसे सर्वोत्कृष्ट परमाणु जुड़ जाते हैं और एकदम दैदिप्यमान शरीर बन जाता है। किनका, अरहंतों का, तीर्थंकर अवस्था में। और बाद में तो ये भी छूट जाएगा, ये उनके पुण्य प्रताप का बल है। समझ रहे, देह में से एकत्व बुद्धि हमने छोड़ी, देखो देह में अपने आप सौंदर्य आने लग गया, और जो जो हमने देह में अपना तो बढ़ाना चाहा और अपना मानकर इस पर इलाज उपचार करना चाहा, देखो ये रोगों की खान बन रही है, हम उसको रोक नहीं पा रहे। आप सब समझ रहे हैं, कोई प्रश्न होगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं। प्रश्न था यहां से किसी का, बोलिए। आपका हाथ ऊपर था ना, तो है क्या, कभी पूछेगा, बोलो बोलो, आपका प्रश्न पूछो। आपने लिख लिया उनके परमाणु कैसे कैसे लिखेंगे आप, भगवान के परमाणु कैसे कैसे लिखे आपने, रुक्ष सॉरी स्निग्ध लिखेंगे आप, चिकने, और कैसे लिखेंगे, सुमधुर और सरस, सुगंधित, ऐसे मृदु, अच्छी कांति वाले, और श्वेत में लिखेंगे हंस समान श्वेत वर्णी, ऐसे परमाणु सब जुट जाते हैं उनके, ऐसा वर्णन मिलता है। बोलो भाई, आपकी शंका कोई होगी तो पूछ सकते हैं। भगवान का शरीर अति, हाँ तो आपने बताया ना भगवान का शरीर, हाँ अति दिव्य दैदिप्यमान, ये तो सामान्य कथन है। उनके शरीर को कहते हैं परम औदारिक शरीर, क्या कहते हैं, परम औदारिक शरीर। फिर उनके शरीर सप्त धातु वाला नहीं रहता है, जैसा हमारा सप्त धातु वाला शरीर है ना, खून पीप हड्डी वाला, चर्बी वाला, मल मूत्र वाला, ऐसे शरीर उनका नहीं रहता, फिर दैदिप्यमान शरीर हो जाता है उनका। ओके चलिए, कोई प्रश्न होगा तो पूछे, नहीं तो फिर मैं आगे के प्रकरण की तरफ बढ़ूंगा। बोलिए पूछिए। हाँ क्या भाषा वर्गना थोड़ी जीव होगी, अरे सुनिए सुनिए, ए बोलिए मत, बोलो मत। जैसे जीव ने बोलने का भाव किया, जीव ने बोलने का भाव किया, और यदि उसके पुण्य का उदय होगा तो
तो ये भाषा वर्गणा जो फैली है ना वे शब्द रूप परिणमित होती है, और हमारे ओठ तालु का जो मूवमेंट है, ओठ तालु का मूवमेंट भी उस रूप से हुआ और उस निमित्त से वो आवाज निकलने लग गई। हमको लगता है हमने बोला, लेकिन भाषा वर्गणा शब्द रूप अपने आप परिणमित हुई है। ओके बोलिए, ठीक है। इसलिए ग्रंथों में आचार्य ने अंत में लिखा, भैया ये हमारा कुछ भी काम नहीं ग्रंथों का लिखना, पुद्गल क्या लिखा ऐसा लिखा आचार्य ने, देखिए टोडरमल जी ने ऐसा लिखा कि क्या लिखा उन्होंने, वचनाधिक लिखनाधिक घना, रागाधिक वचनाधिक क्रिया, क्या लिखा वचनाधिक लिखनाधिक क्रिया, पुद्गल अरु इंद्रिय हिया, ये सब है पुद्गल के खेल, इनमें ना ही हमारो मेल। ठीक, आगे क्या लिया, रागाधिक वचनाधिक घना, इस आप इसमें देखेंगे मोक्ष मार्ग प्रकाशक की प्रस्तावना में आपको मिल जाएगा, रागाधिक वचनाधिक घना, इनमें कारण कारिज पना, ताकु भिन्न न देखु कोय, बिनु विवेक जग अंधा होए, ज्ञान राग तो मेरो मिलो, करनो धरनो तनु को मिलो, कागज मसी अक्षर आकार, अर्थ प्रकाशन हार, ये सब है, ये सब पुद्गल की है बात। कौन सी, ये जो जो शरीर की ये रचना हुई, अक्षर से शब्द, शब्द से अक्षर, से वर्ण से अक्षर, अक्षर से शब्द, शब्द से वो पद, पद से गाथा, गाथा से छंद हुए, छंद से वो पूरे ग्रंथ हुए पूरे, ये सब पुद्गल का चमत्कार है। इसमें अमृत चंद्र एवं कर्तव्यम एवं किंचित अस्ति, अमृत चंद्र का कुछ भी कर्तव्य नहीं है। विद्वान कहते हैं हमने नहीं लिखा, यह भाषा वर्गणा का काम है। आप समझ रहे हैं अभी भाषा वर्गणा की बात, ये बात है पूरी। चलना है आगे, कहाँ तक आए भैया हम, कारमंड शरीर को आज हमने पूरा किया। एक प्रश्न तो अपना रह गया, कौन सा मेरा प्रश्न है, कौन कौन सी वर्गणाएं, कौन कौन सी इंद्रिय का विषय बनती है, जल्दी बोलो, कौन कौन सी वर्गणाएं, कौन कौन सी इंद्रिय का विषय बनती है, ट्राई ट्राई। आपको बोलूं मैं थोड़ा सा, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा कौन सी इंद्रिय का विषय बनेगी, किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं बनेगी। कर्मण वर्गणा कौन से इंद्रिय का विषय बनेगी, किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं बनेगी। और मनोवर्गणा वो भी किसी का नहीं बनेगी। तेजस वर्गणा किसी भी इंद्रियों का विषय नहीं बनेगी। तीन वर्गणा की तो बात ही रह गई। आहार वर्गणा नेत्रेंद्रिय का विषय बनती है, स्पर्श इंद्रिय का भी बनती है, समझ में आ रहा है। और भाषा वर्गणा, भाषा वर्गणा कर्णेंद्रिय का विषय बन सकती है, समझ में आ रहा है। हाँ, अभी शब्द रूप होगा तो शब्द ही कर्ण रूप सुनाई देगा, तो अपन ये कह रहे हैं कि भाषा वर्गणा कर्णेंद्रिय गोचर है। कायदे से तो शब्द रूप होगा तब वो कर्णेंद्रिय गोचर कहने में आएगा, हमारा उपचार का कथन जानना। और कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आज तो हमारा ये पूरा हुआ है चैप्टर। मैं और एक प्रश्न पूछूं फिर, जब तक सब नहीं आते। हाँ टाइम तो है अभी। देखो प्रश्न ये है, औदारिक शरीर की संख्या असंख्यात कही है और जीव है अनंतानंत, ऐसा कैसे। थोड़ा कठिन है वैसे, आप बता पाएंगे कि नहीं, मैं नहीं कह सकता। औदारिक शरीरों की संख्या असंख्यात कही है जिनागम में और जीव कहे है अनंतानंत, तो इनका तालमेल कैसे बैठेगा, बोलिए। आपका कहना है कुछ मुक्त है उनके तो शरीर नहीं, ठीक है एक बात ये। दूसरी बात सांसारियों में बोलो, चलो सांसारी जीव है अनंत और शरीर है असंख्यात औदारिक, तो अब मुझे बताओ, सिद्धों की छोड़ो बोलू, क्योंकि निगोदियों का ऐसा है एक एक शरीर में अनंत अनंत जीव रहते हैं, तो इसलिए ये कोई विसंगति नहीं होती,
कोई प्रश्न नहीं हो बोलिए भाई, किसी को प्रश्न पूछना हो तो पूछिए कुछ, अपने पास थोड़ा टाइम है तो कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। प्रश्न नहीं, ठीक है फिर, क्योंकि मुझे नया टॉपिक चालू करना है धर्मद्रव्य का अभी कल से, तो फिर मैं अलग सा अभी चालू नहीं करूंगा, मैं कल से ही चालू करूंगा धर्म अधर्म आकाश काल, ये दो दिन में इनको ले लेंगे, ठीक है। ओम नमः।